हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो हर सफर अपनी दास्तान सुनाता है, हर मंजिल अपना फसाना बयान करती है। ये सफर भी बहुत खास था। तो उधर हर सिले मिलेगा मैकेनिक? ना ना ना, आगे नहीं मिल पाएगी। हाँ जी, तो ये कहानी है थोड़ी पुरानी। तो ये बात है 2018 की, जब मुझे पता लगा इस जगह के बारे में। निलोंग इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड यहाँ आने के लिए हमको चाहिए होता है परमिट। तो बस फिर क्या, दिमाग खनका, सामान पैक किया और निकल गए सुबह 3 बजे। रूट की प्लानिंग करी। आइडियल रूट जो होता वो था दिल्ली टू देहरादून, देहरादून से धारासू एंड देन हरसिल। सो गुवाहाटी इज़ अंडर 43 किलोमीटर फ्रॉम देयर। बट वो कहते हैं ना, एडवेंचर को आप नहीं, एडवेंचर आपको ढूंढ ही लेता है। बस वही हुआ मेरे साथ भी। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो सुबह मैं पहुंचा हरिद्वार, वहां से धनौल्टी, फिर धनौल्टी से चंबा पहुंचा, चंबा से टिहरी, टिहरी से फाइनली आई मेड टू उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी इसलिए पहुंचा कि जो मैंने परमिट अप्लाई किया था उसका प्रिंटआउट लेना था एंड डीजीएम से साइन करवाना था। सो जो मुझे पता लगा कि वो परमिट सेम डे ही मेरा कैंसिल हो गया, बिकॉज़ वहाँ पे बाइक्स नहीं हैं अलाउड एंड ये मुझे पता नहीं था। तो लकीली थैंकफुल टू दी गाइज एट दी डीजीएम ऑफिस, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइवर टू एवरीथिंग। तो मेरा परमिट बन गया और मैं आगे निकल गया। तो ये है ब्यूटीफुल केदरी वाटरफॉल। मैकेनिक भी है कोई? क्लच वायर। वैसे तो उस टाइम चार धाम की यात्रा चल रही थी एंड रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था, बट एक समय ऐसा आया जब अचानक से मुझे लगा कि रोड पे मैं अकेला ही हूँ और दूर दूर तक ना कोई नहीं दिखा। वाहन चलाते समय ध्यान रोड पे दीजिए, ना दीजिए, कृपा करें। अचानक से बड़ी भयंकर आंधी चली, मुझे ऐसा लगा कि मैं उड़ जाऊंगा। मुझे डर ये लगा कि शायद पत्थर ना गिर जाए ऊपर से मेरे ऊपर। बट चलो, फाइनली आई मैनेज टू मूव ऑन। उत्तराखंड की ये साइट इज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ आने का सही टाइम इज़ अगेन बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, बट निलोंग के लिए यू हैव टू चेक ऑनलाइन फॉर दी परमिट कि कब अवेलेबल है और अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ सर, आगे जाम है? ओहो, आप लोगों को कहाँ जाना है? आप लोगों को कहाँ जाना है? गंगोत्री। I love talking to strangers. जहाँ मौका मिलता है, it is always good कि आप लोगों से बात करो, अपने experience share करो। Road इतनी छोटी थी कि सारा traffic जो था, अब समझ में आया मुझे कि कहाँ रह गया था। It's 7:10 now. It's been more than an hour. तो यहाँ पे लोग दो तो तीन तीन घंटे से फंसे हुए थे। इनफैक्ट मैं खुद 1.5 घंटा जाम में फंसा रहा इधर, और यहाँ से निकलते निकलते अंधेरा हो गया एंड जो वो आंधी आई थी उसकी वजह से पूरी घाटी में लाइट नहीं थी। एंड हुआ ये मेरे साथ कि मैं पहुँचा हरसिल, बट मैं हरसिल पहुँच नहीं पाया। 5 किलोमीटर आगे जाके रुका जब पता लगा कि एक ढाबा
आया, उन्होंने बोला कि हर्षल तो आप भैया छोड़ के आ गए पीछे, तो फिर फाइनली आई स्टेड देयर ओनली। So, beginning the journey on a long. आपका नाम तो पूछा नहीं, नाम क्या है? सुशील। नेक्स्ट डे मैं निकला हर्षल से। अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स हर्षल से निलोंग का रास्ता आता है, गंगोत्री के रास्ते से। एंड यहाँ पे जो चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट पे परमिट इज चेक्ड एंड एज इट इज मेंशन ओनली 4x4 व्हीकल्स आर अलाउड इनसाइड and yeah, no foreigners are allowed inside the Nilong Valley. So I don't know if we can see or not, but right there are those stairs. So this used to be the old India-Tibet route. The people used to walk down the trade route. So this is a wooden bridge constructed between those mountains. Show it more clearly in the picture. Look at the views here. Snow-capped mountains and raw mountains all over. Nilong, बड़ा सुना था जगह के बारे में मैंने। एक छोटी सी घाटी जो कि इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे है, जहाँ पे साथ में चलती है आपके भागीरथी की बहुत बड़ी मेजर ट्रिब्यूटरी। एंड निलोंग वैसे तो सेंसिटिव एरिया है एंड बहुत ही ट्रेचरस रोड है। आई रिमेंबर मेरा ड्राइवर ने मुझे बताया था कि जब वो पहली बार ही आया था, दिस वॉज द थर्ड टाइम ही वॉज कमिंग हियर, जब वो पहली बार ही आया था तो एक बंगाली कपल को लेके आया था जो कि 1 किलोमीटर बाद ही वापस लौट लिए थे। सो आखिरी में आके आते हैं माइटी बी चेक पॉइंट पे। यहाँ पे फिल्मिंग इज नॉट अलाउड, सो इसलिए आई डिडंट फिल्म। Saying goodbye to this magical place. It's all worth coming here. Just have a look, yaar. But yahan se samne dikhta hai Tibet and wo dur dikhta hai Gaurikund. Goodbye. Bahut hi amazing place thi guys ye. I spent an hour talking to the jawans. What a feeling it was. Iske baad nikle towards Gangotri. चार धाम, छोटा चार धाम है गंगोत्री, आप सबको पता ही होगा आई एम श्योर। भागीरथी साथ में बहती है एंड गंगा का ओरिजिन इसी जगह से होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि गंगोत्री ही जगह है जहाँ पर कि गंगा शिव जी के जटाओं से निकल के आई थी धरती पे। दर्शन कर लो। वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स काम करते हैं चार धाम की यात्रा लेके जाते हैं, तो इफ़ यू गाइस वांट टू विजिट हियर। इसके बाद अपन निकले वापस। बाइक की क्लच जो ख़राब हो गई थी वो ठीक करी। और हर्ड अबाउट टिबेट विलेज इनसाइड हर्षल, सो जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। दैट्स हाउ द रोड्स आर एंड देयर इज अ स्नो कैप्ड माउंटेन राइट अहेड। Harshal is really beautiful guys, it's beautiful. And I'm done for today, so then I thought that let's go for a walk. Not a trek, but then a small walk. Maybe just to explore nearby. Iske baad next day I left for my home. Is bari I made sure that I take the right routes. And yeah, that's it. Guys, I hope you liked the video, and if you liked it, do give it a thumbs up and share it with your friends. Until then,